हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं नवदीप है, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके पैशन दीपक बाली क्लास एन जी हॉस्पिटल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे परमानेंट फैकल्टी के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोज़ को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोज़ जो है वो देखने को मिलेंगे। चलिए हम देख लेते हैं वो नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से आया है, ठीक है, जो कि नैक एक्रेडिटेड ग्रेड ए प्लस यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो आप www.kashmiryuniversity.net पर जाके जो है आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन जो वो 25 अगस्त 2022 को जो है वो रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इक्विवेलेंट अवेलेबल इन वेरियस कैंपस डिपार्टमेंट। और यहाँ पे तो आपको पे ग्रेड दिया जाएगा वो एकेडमिक लेवल 10 का 7 CPC का जो ग्रेड पे दिया जाएगा, जो 57,700 to 182,400 तक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेन कैंपस श्रीनगर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज को निकाली गई, इसके अलावा जो अदर कैंपस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे पोस्ट आईडी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पे जो रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट है वो देखने को मिलेगी कि आपको अनरिजर्व SC ST OBC या EWS में कितनी वैकेंसीज है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप अरेबिक बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस बैकग्राउंड एज वेल एज नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए भी यहाँ वैकेंसीज को निकाला गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुपवारा कैंपस में भी वैकेंसीज को निकाली गई, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुपवारा कैंपस, फिर साउथ कैंपस अनंतनाग में भी यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। तो यहाँ पे दोनों जितने भी इनके कैंपस हैं उन सब में जो वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन और स्टार्ट डेट की, तो वो आपका जो है 8 सितंबर जो है वो आपका जो है यहाँ पे स्टार्ट डेट है, ठीक है। और जो लास्ट डेट है आपका सबमिशन का वो है 7 अक्टूबर 2022, और लास्ट सबमिशन जो है वो हार्ड कॉपी का वो 7 अक्टूबर, ठीक है। यहाँ मतलब आपको जो है हार्ड कॉपी भी आपको यहाँ पे सेंड करनी है, ठीक है, हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करनी है, ठीक है। तो इन्होंने लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी वो भी 7 अक्टूबर है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एसेंशियल रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ पे देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट है उनमें क्या आपका जो है क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बात करें बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, तो यहाँ पे आपका पीजी डिग्री 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा कि आपका जो है मिनिमम जो है MSc में आपका जो है मिनिमम 55% मार्क्स जो है वो होना चाहिए। तो इस वे में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी होनी चाहिए। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो आपको 7 पॉइंट स्केल पर जो है इन्होंने ग्रेड परसेंटेज इक्वेलेंस ऑफ ग्रेड पॉइंट फॉर अ 7 पॉइंट स्केल मेंशन कर रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे कितना परसेंटेज आ रहा है वो भी आप जो है वो देख सकते हैं कि आपका ग्रेड जो है वो क्या है, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने लिंक मेंशन कर रखा है कि www.kashmiryuniversity.net, और उसके बाद आपको टॉप जॉब्स एंड रिक्रूटमेंट लिंक पे जो क्लिक करना है उसके बाद आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा प्रोसेस जो है वो बता रखा है, तो आप ये इस पोर्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ताकि आप जो है यहाँ पर कोई भी गलती ना हो, ठीक है। इसके अलावा क्या करना, आपको जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका प्रिंट आउट लेना है, और उसके बाद आपके जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो आपको जो है अटैच कर दे, जैसे आपका नेट का सर्टिफिकेट या MSc की डिग्री, वो सब चीज़ें। और आपको अपने एनवलप पे मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कि आप किस पोस्ट पे जो है वो अप्लाई कर रहे हैं वो मेंशन करना है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर और डेट भी यहाँ पे मेंशन करनी है, और जो है इसे सेंड कर देना है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, ठीक है। तो अगर आप आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आप जो है यहाँ पे आपको जो है इंटरव्यू के लिए जो कॉल किया जाएगा। अब शॉर्ट लिस्टिंग जो इनका क्राइटेरिया रहेगा वो आपका रहेगा API इंडस्ट्री फॉर्म पे, ठीक है। तो नॉर्मली जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, तो उसमें API इंडस्ट्री बेस पे जो है आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं है, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जो है वो कॉल किया जाएगा। तो क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ,
तो देखिए यहाँ पे पैरामीटर क्या है, आपका ग्रेजुएशन में 80% अबव है तो 15 स्कोर रहेगा आपका, 60 to 80% 13 रहेगा, 55% टू लेस देन 60 है तो 10, और 45 to 55% टू 5। इसी तरह आपका पीजी में, अगर पीजी में देखें तो यहाँ पे 60% अबव है 25 स्कोर रहेगा, 60% टू लेस देन 80% 23 रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकेंगे आपका एम फिल डिग्री, तो आपके यहाँ पे 60% अबव है तो 7 स्कोर दिया जाएगा। वहीं पी एच डी अगर पास है तो 30 स्कोर दिया जाएगा। नेट विद जे आर एफ है तो 7 रहेगा, ओनली नेट है तो 5 रहेगा, स्लेट है तो आपके पास 3 रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका रिसर्च पब्लिकेशन में अगर मैक्सिमम यहाँ पे 5 पब्लिकेशन अगर आपके हैं तो आपको जो है यहाँ पे है 2 मार्क्स यूज करके 10 जो है आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं अपना जो भी यहाँ पे एपीआई इंडेक्स है। सेम चीज़ यहाँ पे पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे अगर आपने 5 ईयर का आपका पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस है और तो 2 मार्क्स ईच ईयर के हिसाब से आपको यहाँ पे 10 पूरे मार्क्स आप जो है गैदर कर सकते हैं। अवार्ड्स में अगर आपको कोई इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड मिला है तो आपको 3 मार्क्स देंगे, वहीं आपको कोई स्टेट लेवल अवार्ड है तो आपके पास 2 मार्क्स रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है कि अगर आपका एम फिल पी एच डी दोनों है तब आपको मैक्सिमम जो 30 मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं कि 30 आपको पी एच डी का मिल जाए और 7 जो है आपको एम फिल का मिल जाए 37, ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा अगर आपके पास दोनों डिग्री है। सिमिलर के अगर आपके पास जे आर एफ भी है, नेट भी है, तब भी आपको मैक्सिमम मार्क्स 7 मिलेगा। अगर ओनली नेट है तो आपको 5 दिया जाएगा, अगर आपके पास स्लेट है या एसेट है तो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। तो यहाँ पर अकेडमिक स्कोर 80 रहेगा, रिसर्च पब्लिकेशन 10 रहेगा और टीचिंग एक्सपीरियंस 10, टोटल यहाँ पे 100 स्कोर में से जो है कट ऑफ निकाला जाएगा। अगर कट ऑफ में आते हैं तो आपको जो है यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये एक क्राइटेरिया है शॉर्ट लिस्ट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा आपने 2009 से पहले का अपना पीएचडी रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पे कोई भी नेट की जरूरत नहीं है, तो इसका आपको यहाँ पे प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी जो कि इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अप्लाई करने से पहले जो है ये सब चीज़ें जो है अच्छे से पढ़े। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि अगर यहाँ पे आप जो है इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस लिंक के थ्रू www.kashmiruniversity.net पे जो है आप जाके जो है अपना जो भी ये अगर इसके लिए आप एप्लीकेबल हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जो एलिजिबिलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो अपनी एलिजिबिलिटी वो अच्छे से चेक कर लीजिए, चेक केयरफुली, ठीक है। एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए अपना जो भी आपका पीजी डिग्री अगर रिलेवेंट सब्जेक्ट में तब आप वो चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप जो इसके लिए अप्लाई करिएगा। तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है, इस वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बस क्लिक करना है जॉब्स एंड रिक्रूटमेंट लिंक, उसके बाद जो है आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेंशन मैंने आपके साथ कर दिए हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप अच्छे से पढ़िए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपकी 1050 रुपी है थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है तो ये आपकी जो है एप्लीकेशन फ़ी है, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।